बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में कसरावत तहसील के ग्राम डाबरी में हुए अंधे कत्ल का खुलासा हुआ है। 8 दिनों के अंदर खरगोन पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। हम आपको बता दें कि मामला कसरावत तहसील के ग्राम डाबरी का है, जहां कुछ दिन पहले खून से सनी लाश मिली थी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 29/11/2019 को डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम डाबरी में मायाराम पिता गणपत भिलाला की खून से सनी लाश नयन सिंह भिलाला के खेत में पड़ी हुई है। सूचना पर दस्तक हेतु थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदा, उप निरीक्षक गोपाल सिंह बघेल ने मौके पर जाकर देखा तो मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर में वो बाई आंख के पास चोट लगी हुई दिख रही थी तथा नाक कान से खून निकला था। थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मामले की जांच में जुट गए थे। पुलिस अधीक्षक खरगोन सुनील कुमार पांडे के मार्गदर्शन में एवं अति पुलिस अधीक्षक खरगोन शशिकांत कनकने, SDOP मंडलेश्वर मानसिंह ठाकुर के नेतृत्व में टीम का गठन करके सुनील मकवाना एवं थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदा टीम के सहयोग से अंधे कत्ल का 72 घंटे के अंदर खुलासा किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। उसने रिपोर्ट लेकर आए कि मेरे चचेरे भाई जमीन विवाद है तो उनपे शंका है, तो उसको लेके हमने दोनों एंगल से बारीकी से जांच की और जांच करने के बाद ये पता चला कि मृतक का जो भाई है फरियादी है, उसी ने उस पे घटना दिनांक के एक दिन पहले मतलब 28/11/2019 को शाम को उसके साथ देखा गया, ये हमको विवेचना मिला। और घटना स्थल पे जब बारीकी से निरीक्षण किया तो वह 3 बीड़ी और 3 माचिस की तीली जली मिली। उससे ये लगा कि यहाँ पे पहले बैठ के और उसके बाद ये घटना हुई है, तो उस आधार पे हमने साक्ष्य एकत्र किया। तो आखिरी में उसका मृतक का भाई जो फरियादी है पूनम चंद और उसका रिश्तेदार जो खेत का साझेदार है, उसकी भांजी का जो ससुर है हीरालाल पिता दगड़ू, ये निवासी मदरैना के हैं, ये दोनों खेत साझेदारी में करते थे काम, और उन्होंने ही उसके उधर गांव से बाहर ले जाके सुनसान जगह पे जहां लाश पड़ी थी वहां पे पत्थर से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।